चलो आज बात कर रहे हैं हम पोएम नंबर 17 मेलो आप हो तो। महान कवि एक अच्छे पत्रकार श्री हरिंद्र जयंत लाल दवे, इसके द्वारा लिखी गई खूबसूरत सी कविता है जिसका नाम है मेलो आप हो तो। इसकी हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम एंड कोचरब, ये दो आश्रम था। गांधी जी हमेशा अपना नित्य क्रम जो है वो साबरमती किनारे से ही शुरुआत करते, योगाभ्यास करते, कसरत करते, और फिर जो होता है दातुन करने का समय होता था, नीम का दातुन करते थे हमेशा। तो दातुन करने जब भी जाते थे एक लोटा लेके जाते थे, पीतल का लोटा लेते और वो लोटा साबरमती नदी के अंदर से भर लेते थे। अभी शांति से दातुन करते, अपना मुंह साफ करते, कुल्ला करते और फिर रख देते थे। तो एक बार किसी ने बताया कि भाई गांधी जी आपके पास इतनी बड़ी साबरमती नदी है और आप ले रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ एक लोटे भर का ही पानी, आप लोटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा जितना जाओ इतना ले लो, कुल्ला कर लो। गांधी जी बोला बात तो सही है, मैं जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर ये सिर्फ मेरी नदी नहीं है, ये सबकी है। और जब सबकी होती है तो उसके अंदर उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको ज़रूरत हो। मैं जीवन के अंदर हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है ना। कबीर जी क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। ले जीवन के अंदर ये दो विरोधाभास बताया गया है कि सुख के अंदर भी हमें भगवान को याद करना चाहिए और दुख में अगर करोगे तो हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा। पर ये दोनों पहलू है, सुख भी आता है तो दुख भी आता है, दुख भी आता है तो सुख भी आता है। अकेलापन होगा तो हमें मेले की तलाश रहती है, और मेला होता है तो अकेलापन की तलाश रहती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध वाले शब्द का इस्तेमाल किया और इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हर एक चीज़ का महत्व है। मेड़ो आपो तो एक मानवीनो संग अने एक कलता आपो तो तोड़े। मुझे मेला चाहिए परंतु उसके अंदर बहुत सारे इंसान होते हैं, है ना, चारों ओर चंडोल घूम रहे हैं, उधर के साइड में गुब्बारे बिक रहे हैं, रंग बिरंगी कपड़े हैं, अच्छा सा खाना पीना चल रहा है, वो मेला होता है। पर जब मेला नहीं होता है और वो कोई इंसान जेल में बैठा है, आश्रम में बैठा है, कोई पहाड़ पे या डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में है, तो वहाँ पर भी उसकी अनुभूति ऐसी होनी चाहिए जैसे वो एक के अंदर सब है और सब के अंदर वो अपने आप को एक। तो अकेलापन की भी आपको अनुभूति नहीं होगी। तो मेरा जीवन सबके अंदर अनुरूप हो सके ऐसा, अभी तुम्हारी लाइफ के अंदर जो तुम सांस ले रहे हो उसकी कोई अहमियत नहीं है, पर जब तुम्हारा अंतिम समय चल रहा होगा, तुम हॉस्पिटल में हो और वहाँ पर तुम्हें अपने प्रियजन को कुछ बात बतानी है, तो तुम्हारा हर एक सांस, हर एक शब्द और हर एक पलक झपकाना भी तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस तरह से एक एक सांस, वो सब जो व्यसन करने वाले बंदे होते हैं, जो कसुम्बी, गांजा, भांग, चरस पीते ना, वो कहके एक नशा लेते हैं, तो उसकी एक श्वास के अंदर वो कितना सारा नशा ले लेते हैं। तो वो एक जो नशा है जिसके अंदर उसको कितना सारा पावर मिलता है, बस हर एक सांस का महत्व इसी तरह से समझो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कितनी सारी सांस है, जब एक का समझोगे तो ज़्यादा सांस का एहसास होगा, और ज़्यादा सांस है क्योंकि तुम एक एक का महत्व समझते हो। पापा हमेशा में कहते हैं कि बेटा कमाना सीखेगा ना तब जाके पैसे की कीमत समझेगा, बात सही है, क्योंकि कैसे आते हैं, कितना पसीना, कितना खून बहाते हैं तब जाके आते हैं, तो वो पैसे की कदर हमने सीखी। तो इस तरह से आपने लिखा है कि मेड़ो आपो तो मानवीनो संग आपो, बहुत सारे लोग हैं तो उसमें मैं सबके साथ घुल मिल सकूं, परंतु जब अकेला रहूं ना तब भी मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर ही मेला लेके चल रहा हूं। जीव तर आपो तो एवू आपो के श्वास एना केफ ना कसुम बाने गुड़। मेरी लाइफ के अंदर हर एक सांस, है ना, हर एक बात ऐसी होनी चाहिए कि हर एक श्वास के अंदर एक कैफ, एक नशा जैसा, कसुम्बा जैसा एहसास मैं कर सकूं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत लंबा सा जीवन लाइफ है, पर ये लाइफ के अंदर जब सांस का महत्व समझूंगा तो लाइफ का मतलब मैं अपने आप से समझ जाऊंगा। तरता न आवड़े लगर मने तग तगता, तड़का नो दरियो ललकारे। जब जीवन के अंदर कोई डूब रहा होगा तो उसको पता चलेगा कि ओके श्वास की कितनी महत्व है, तब जाके पता चले ओके मैं तो यार दो मिनट भी नहीं रह पाता हूँ बिना श्वास के, पानी के अंदर मैं डूब जाता हूँ, पर हमारे पास इतना सारा है,
डेजर्ट में जाओगे तो एक छोटा सा बूंद जो है उसका महत्व समझोगे, पर समुद्र के किनारे आओगे तो नहीं समझोगे। सूरत में रहते तो पता चलता है आपको कितना सारा पानी ऐसे बिगाड़ देते हैं, पर वही जो पानी है अगर हमें राजस्थान में मिल जाए डेजर्ट के अंदर तो उसका महत्व अलग ही है। मतलब एक एक पानी की बूंद का महत्व करना सीखोगे तो तुम समुंदर का इतना महत्व क्या होता है वो भी समझना आसानी से समझ जाओगे। था के लिए आँख अनजाती नथी तोय, थोड़ा मृग जल चढ़ के मजेदार है। मृग जल जो हिरन होता है दौड़ता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि दूर कहीं पर एक खड्डा है और खड्डे में पानी है। एक्चुअली पानी नहीं है, वो खड्डे के अंदर से स्टीम वराल निकल रही है और हमें ऐसा लग रहा है, उस मृग को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर पानी है। वो काल्पनिक जल होता है, काल्पनिक तालाब होता है, जब दौड़ के वहाँ पर पहुँचता तो वहाँ पर पानी नहीं है। सिर्फ हमारी लाइफ में भी पानी का ऐसा एहसास है, एक पल का ऐसा एहसास है, एक श्वास का ऐसा एहसास है कि हर एक को समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके पानी का महत्व क्या है, श्वास का महत्व क्या है, पल का महत्व क्या है, मनुष्य का महत्व क्या है, रिलेशन का महत्व क्या है। जब छोटे छोटे रिलेशन बनाओगे तब जाके तुम महान बन सकते हो। एक छोटी सी बात बताऊँगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा अगर उसका काउंटिंग करना तो सिंपल सा कार्य है कि तुम बैठ के एक छोटा सा लिस्ट बनाओ कि अगर समझ लो कि आज रात को मैं मर जाता हूँ तो कल मेरे पीछे मन लगाकर सच्चे हृदय से रोने वाले कितने, जो कंटिन्यू 3 दिन तक मेरे पीछे सच्चे हृदय से आंसू बहाएंगे, सिर्फ दिखावे के हिसाब से नहीं, सच्चे हृदय से। मैं 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल या लाइफ नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी लाइफ आपको कौन मिस करेगा, मैं महीना भी नहीं कह रहा हूँ, 10 दिन सिर्फ 3 दिन 3 डेज आपको कौन मिस करेगा, वो सिर्फ काउंटिंग करो। अगर आपकी काउंटिंग के अंदर अगर 10 पर्सन का नाम लिख पाए तो आपकी लाइफ से आप 10 पर्सन ही जी पाए हो। अगर आपने लिखा बेस्ट पर्सन 20 है तो आपने 20% लाइफ जी पाए हो, और नॉर्मली 10 तो सब लिखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन वही, क्योंकि आप उसको काम आए और वो आपको काम आए। क्या आपने ऐसे भी कुछ लोग बनाए हैं जिसको आप काम आए हो, ऐसे भी कोई लोग बना है जो आपके लिए जीते हैं मरते हैं तो क्या नहीं। और वही कारण है कि वो कार्य करने के लिए आपको हर एक सांस का महत्व समझना पड़ेगा, हर एक संबंध का, हर एक मनुष्य का संबंध जानना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि था के लिए आँख अनजाती नथी तोय, मैं थक गया हूँ, आँख बंद नहीं हो रही है, तो पर मृग जल मुझे कुछ पाने का, कुछ सपना कंप्लीट करने के लिए मुझे आगे जाना है, क्योंकि अभी मैं मझधार में हूँ, अभी तो मुझे और लाइफ जीनी है। टीपे थी पाए तो धाराओं सा तरस्यो हूँ, रही गयो छलकाती छोड़े। कभी कभी छोटी से एक बूंद यानी टीपा थी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, और कभी कभी मेरे सामने इतना बड़ा सा समुंदर होता है और मैं उसको भी स्वीकार कर पाता नहीं हूँ। सुनी बपोरनी एकलता 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 बोली अकड़ा, अब अकेला कब तक रहूँगा, इसलिए मुझे सबका साथ सबका विकास ही करना है। सबका विकास मतलब तुम ही कहीं पर एक कण हो, इस दीवार को खड़ी होने के लिए उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे, तब जाके ब्रिक्स बनती है, ब्रिक्स सब साथ में इकट्ठी होती है तो दीवार बनती है, दीवार खड़ी होती है तो माल, और माल के बाद पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो इस तरह से जीवन के अंदर है कि अकेलेपन से भी कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा भी किसी के साथ सपोर्ट होना जरूरी है, जब तुम्हारा सपोर्ट होगा तो दूसरा भी आगे आएगा। उगती सवार ना डौड़ा तरंग माँ, जो थोड़ी आसांझ गुटी लाओ, कोई ने आ होठे अड़काड़ियो ए अमृत में, कौन हसे आकाश जोड़े। और इसी तरह से मैं जब आकाश के अंदर जाऊंगा तो ये जो होठों के अंदर से निकलने वाले मेरे शब्द है जो अमृत के समान है, जो अच्छे शब्द है, पता नहीं जो मेरी शाम हो जाएगी। सनराइज यानी कि आपका बचपन, दोपहर मतलब आपकी जवानी, और सांझ मतलब आपका बुढ़ापा। जब वो बुढ़ापा आ जाए, वो सांझ खत्म हो जाए, तो वो सांझ ऐसी होनी चाहिए लाइक अमृत, कि उसके द्वारा दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, वो आपके रास्ते पे चल सकते हैं, वो आपको फॉलो कर सकते हैं। पर कुछ लाइफ ऐसे ही होती है लाइक कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े, वो भी जीते हैं मरते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ कुछ ऐसा शब्द है, ऐसे जीवन जी के जाओ जैसे दो लोगों को मिल सके। इसलिए मेड़ो आप हो तो ये वो मेड़ो आप हो कि जैसे लोग आपको याद करें, हमेशा याद करें। तो ये कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं विपरीत परिस्थिति के अंदर कैसे जी सकते हैं, वो यहाँ पर हरिंद्र जी ने बताया है। हरिंद्र जी रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक प्राप्त हुआ है, गजल संग्रह हयाती के अंदर से लिया गया है, दिल्ली साहित्य अकादमी के अंदर उसको पारितोषिक प्राप्त हुआ है, कबीर सम्मान और साहित्य प्रतिभा के भी अच्छे पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। जीवन में सामान्य स्थिति के अंदर भी इंसान अकेलापन अनुभूति करता है,
और कभी कभी टोला और समूह के अंदर भी वो आनंद मान लेता है। कवि हरिंद्र दवे अपने जीवन के अंदर लोक और जीवन व्यवहार की ये मंजूर नामंजूर बातों को कवि अपने संत साहित्य के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश की है।